गुड इवनिंग बच्चों, मैं एडिटोरियल के सेशन टू की एक्सरसाइज के साथ प्रेजेंट हुई आप। और जैसा मैंने कहा था, सुबह आपको एडिटोरियल मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली शाम को आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाए। अगर एक्सरसाइज मैं इस तरीके से वीडियो बना के नहीं करा पाया किसी दिन, तो मैं उसका पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे समय न गंवाते हुए सीधे एक्सरसाइज करते हैं और खुद को आजमाते हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका हमको कितना फायदा मिल रहा है। ठीक है, ये आप जैसा देख रहे होंगे सेशन टू का एक्सरसाइज ऑन वर्ड पावर, कॉमन एरर्स एंड सेंटेंस फिलर्स फॉर योर एग्जाम्स, यानी जो जरूरी है वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही यहां पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपके सामने ये एक्सरसाइज है आपके वर्ड पावर पे, वही वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और जल्दी जल्दी कर लेंगे आप, ये रिवीजन हो जाएगा बच्चों टोटल आपका। जो बच्चे सेशन वन की एक्सरसाइज नहीं किए होंगे वो भी कर लेंगे और अभी सेशन टू मिले आगे सब मिल जाएगी। और अब मैं पीडीएफ बेस का देता जाऊंगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए तो पहला वर्ड आपके सामने है ग्लोबल, याद है आपको ग्लोबल कौन सा होगा, लोकल, जोनल, यूनिवर्सल या ऑब्सोल्यूट, क्या होगा इसका समझ याद आया। लोकल मीन्स होता है स्थानीय, जोनल मीन्स होता है क्षेत्रीय, यूनिवर्सल मीन्स होता है सार्वभौमिक जो पूरे विश्व भर से संबंधित हो, और ऑब्सोल्यूट मीन्स आपको याद हो इंपोज करना, मीन्स लागू करना, किसी पर कोई चीज थोपना। तो ग्लोबल याद है आपको, ग्लोबल मीन्स क्या हो जाएगा वैश्विक, दुनिया भर का, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर है, इसका सिनोनिम हो जाएगा यूनिवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रोनिक, क्या होगा इसका सिनोनिम देख लें, डिस्पाइट, न्यू, मॉडर्न और पेस्टाइन, क्या होगा सिनोनिम इसका याद आ रहा आपको। क्रोनिक मीन्स होता है पुराना, जो बहुत जीर्ण हो, लॉन्ग स्टैंडिंग हो, वो आपका क्रोनिक होता है। तो डिस्पाइट तो होगा नहीं, डिस्पाइट में इसके बावजूद, न्यू भी नहीं होगा, मॉडर्न भी नहीं होगा, क्रोनिक का सिनोनिम हो जाएगा पिस्टाइल, मीन्स पुराना जेनरल। ठीक है, ऐसे तैयार करते जाइएगा पूरा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मच टाउटेड, याद है मच टाउटेड आपको, क्या मच टाउटेड डेंस है, नहीं, डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक, नहीं, स्क्रिम्प है, नहीं, स्क्रिम्प मीन्स कंजोश होता है। मच टाउटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा स्प्रेड, यानी वो चीज जो बहुत फैलाया गया हो, जिसका बहुत प्रचार प्रसार किया गया हो, वो मच टाउटेड होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्पिरिट, है ना, स्पिरिट का सिनोनिम बताना है आपको क्या होगा, स्पिरिट क्या पेएबल होगा, पे करने योग्य, क्या फीजिबल होगा, व्यवहारिक उपयोगी, या नरिश्ड होगा जो चीज पोषित हो, या फीलिंग होगा भावना, क्या होगा इसमें याद है आपको। स्पिरिट मीन्स मैंने कहा था इस एडिटोरियल के सेंस में स्पिरिट मीन्स भावना, वैसे स्पिरिट मीन्स आत्मा भी होती और वो केमिकल भी होता, और स्पिरिट मीन्स याद है आपको उत्साह। तो स्पिरिट का जो सिनोनिम यहां होगा वो क्या हो जाएगा, यही होगा फीलिंग मीन्स भावना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्या होगा, यूनियनिज्म, सोशलिज्म, रियलिज्म या फेमिनिज्म, यूनियनिज्म होगा, बिल्कुल होगा, यूनियन से यूनियनिज्म बना है, मैं संघवाद जो केंद्र शक्तियों की बात करता है वो आपका यूनियनिज्म होता है, सोशलिज्म समाजवाद को कहते हैं, फेमिनिज्म जो स्त्री के अधिकारों की रक्षा की बात होती वो फेमिनिज्म के अंतर्गत आता है, और जो रक्षा की बात करते हैं वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं, रियलिज्म यथार्थवाद मीन्स वास्तविकता से संबंधित है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हालो, याद है आपको हालो, एच ए डबल एल ओ डब्ल्यू मत सोचिएगा, हालो एच ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, तो क्या हालो का फुल होगा, पूरा, कर्सरी होगा मीन्स सरसरी निगाह से देखा जाने वाला, क्रोनिक होगा अभी आपने पढ़ा था, क्रोनिक मीन्स पुराना, या वाइड होगा रिक्त बिल्कुल खाली खोखला, क्या होगा याद आ गया, हालो का सिनोनिम होगा
वायड मीन्स खोखला। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग अगर आपको याद हो, ग्लेयरिंग मीन्स होता है, आप बता दें क्या होगा, क्या होता है ग्लेयरिंग मीन्स? ग्लेयर से बना है बच्चों, ग्लेयरिंग मीन्स होता है जो चीज अस्पष्ट हो बिल्कुल, वो ग्लेयरिंग है, या फिर जो चमकता हुआ, जो चकाचौंध उत्पन्न करने वाला होता है वो भी ग्लेयरिंग होता है। तो क्या वो आंसर आपका सिनोनिम के रूप में अनक्लियर होगा, अस्पष्ट? नहीं। क्या डेलिटेरियस होगा, हानिकारक? नहीं। क्या एम्बिगुअस होगा, मीन्स बट द्विअर्थी? नहीं। क्या एगोनी होगा? नहीं, इसमें इसका सिनोनिम नहीं है। ग्लेयरिंग का होगा क्लियर या एपरेंट, ठीक है, हो जाता कभी कभी एक्सरसाइज बनाते हुए, और ये सारी मेहनत मैं ही करता हूं, मीन्स मैं और टेक्निकली सचिन मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तो ये सारी मेहनत मैं करता हूं, इसलिए कहीं कहीं थोड़ा उतर जाएगा, लेकिन आपको याद हो ग्लेयरिंग मीन्स अस्पष्ट होता है, क्लियर या एपरेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टार्क। स्टार्क का सिनोनिम क्या होगा, रियली वास्तव में, या लोकली स्थानीय तौर पर, या बैडली मीन्स बुरी तरह से, या कंप्लीटली पूरी तरह से, क्या होगा? याद है स्टार्क मीन्स, याद है स्टार्क रियलिटीज, यानी जो कठोर सत्य होता है, तो स्टार्क मीन्स कठोर पूरी तरह से ज्यादा, तो स्टार्क का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मीन्स होता है किसी चीज का प्रचार प्रसार, यही होता है ना, जब आप किसी चीज का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं तो आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो क्या होगा इसका, हाइडिंग छिपाना, हैलो अभी ऊपर मैंने बोला था पवित्रता से संबंधित, ठीक है, फैलो याद है खोखलापन मतलब खोखला कोई चीज, और पब्लिसिटी मीन्स होता है प्रचार प्रसार, तो हो जाएगा प्रोपेगेंडा का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पब्लिसिटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड बच्चों हमारे सामने है, और ये वर्ड आपका है पार्टीशन। पार्टीशन का समैरिटन होगा परोपकारी, या अल्ट्रिस्ट होगा परोपकारी, या बेनिवोलेंट होगा परोपकारी, या बायस्ड होगा पक्षपाती, क्या होगा? याद आ गया, पार्टीशन मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण, मीन्स जो पक्षपात करता है वो पार्टीशन होता है, तो क्या होगा, बायस्ड हो जाएगा। इसका पार्शियल भी हो सकता है, जो आपका फेवर करता है, पार्शियलिटी शो करता है, वो पार्टीशन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का क्या होगा, एनर्जेटिक, लेथार्जिक, मैग्नेटिक, या फैलो, बोलें क्या होगा? लैंग्विशिंग याद है, लैंग्विशिंग मीन्स, लैंग्विश मीन्स सुस्त, जो व्यक्ति श्लगिश होता है वो लैंग्विशिंग होता है, तो क्या वो एनर्जेटिक ना, लेथार्जिक ही हो जाएगा आपका। लेथार्जिक मीन्स हो सुस्त होता है, जो श्लगिश हो, लेथार्जिक हो, लेकडेशिकल हो, वो आदमी लैंग्विशिंग लैंग्विशिंग होता है। मैग्नेटिक आप जानते हैं, मैग्नेट संबंधित है, अब फैलो ऊपर मैंने बताया खोखला, ऐसे वर्ड्स को रिपीट करेंगे ना याद हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे वर्ड्स मैं बीच में ऑप्शंस में वो डाल दे रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ या जो जरूरी समझ रहा हूं, ताकि वो वर्ड भी आपका तैयार हो जाए, इसलिए सबकी मैं हिंदी बता दे रहा हूं जहां पे जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड आपका थ्रो, याद है आपको थ्रो, थ्रो मीन्स संकट, तो थ्रो मीन्स अगर संकट या दारुण वेदना मीन्स बहुत अधिक कष्ट, तो पहला ही वर्ड है आपका एगोनी। एगोनी मीन्स दारुण वेदना कष्ट। इम्यून याद है आपको, जो आपकी प्रतिरक्षा से संबंधित होता है, आपको एक ताकत देता है, वो इम्यूनिटी होता है, तो इम्यून सुरक्षित करना। एजाइलिटी या एजाइलिटी याद है आपको, कोई जब बहुत फुर्तीला होता है वो अजाइल होता है, तो उसके अंदर एक एजाइलिटी होती है, एजाइलिटी होती है मीन्स फुर्तीलापन होता है, ब्रिस्कनेस होता है। और प्रोजेनी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोजेनी मीन्स होता है संतान, बच्चे जो होते हैं आपके, जो वट मतलब संतान या क्या कह सकते हैं आप, सक्सेसर्स के रूप में आगे जो आने वाले होते हैं वो प्रोजेनी में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटब्रेक। आउटब्रेक का सिनोनिम क्या होगा, डिस्पेंसेशन मीन्स रियायत, छूट, एग्जेम्पशन, एक्जोनरेशन, एक्सक्लूजन, या ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मीन्स सफलता होती है,
या किसी चीज की अगर आपको पहली बार जानकारी मिलती है तो वो भी एक ब्रेक थ्रू। जैसे पुलिस किसी मामले की तहकीकात कर रही है और उसे पहला एक क्लू मिल जाता है तो वो एक ब्रेक थ्रू होता है। और ब्रेक थ्रू में सफलता होती, जो पहली सफलता होती वो ब्रेक थ्रू होता है। गेंदबाज जब बॉलिंग करता है तो जो पहला उसका विकेट मिलता है उसे वो उसका क्या होता है, ब्रेक थ्रू होता है। क्या आउटडू होगा, आउटडू मीन्स किसी को कार्य में पीछे छोड़ देना। या इरप्शन होगा, किसी चीज का विस्फोट, उसकी शुरुआत, प्रस्फुटन क्या होगा, याद है आउटब्रेक का हो जाएगा इरप्शन, किसी चीज की शुरुआत, उसका विस्फोट। नेक्स्ट वर्ड है आपका, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, फिस्कल। फिस्कल का क्या होगा, क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स जरूरी, महत्वपूर्ण। या सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, या फिर मच डाउटेड। ये देखिए मैंने रिवीजन किया ना, आपको याद आना चाहिए आपको, मच डाउटेड बहुप्रचार, जिस चीज का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया गया हो वो मच डाउटेड होता है, स्प्रेड होता है। क्या फाइनेंशियल होता, बिल्कुल होगा, यानी फिस्कल का जो सिनोनिम होगा वो फाइनेंशियल हो जाएगा, मीन्स राजकोषीय, वित्तीय, आर्थिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एलुसिव, मीन्स डिप्रेसिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिसेप्टिव या डिजेनरेटिंग। ध्यान रखिए अगर मेरे ऑप्शंस पे मेहनत करेंगे और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको तैयार हो जाएंगे। तो एलुसिव मीन्स आपको याद है मायावी, जो जल्दी पकड़ में नहीं आए, जो छल करे वो आपका एलुसिव होता है। तो क्या डिप्रेसिंग होगा, निराशाजनक, क्या डिसअपॉइंटिंग होगा, निराशाजनक, क्या डिजेनरेटिंग होगा, पतन की तरफ ले जाने वाला, या डिसेप्टिव होगा, छल भरा, धोखे से भरा हुआ। यही होगा एलुसिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसेप्टिव, मीन्स जो आपके साथ छल करे, मायावी हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सोडस, बच्चों आ गए हैं। एक्सोडस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सोडस का क्या होगा सिनोनिम, आउटकम मीन्स परिणाम, आउटबर्स्ट विस्फोट, आउटब्रेक शुरुआत, या आउटफ्लो गमन बहिर्गमन क्या होगा। याद है एक्सोडस क्या होता है, कोई समूह है, ठीक है, उसमें जब समूह मतलब कोई समूह है उसमें बहुत सारी संख्या में लोग अगर बाहर निकल रहे तो वो एक्सोडस होता है, ठीक है। तो आउटफ्लो इसका हो जाएगा, एक्सोडस का सिनोनिम आउटफ्लो। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम, ग्रिम मीन्स होता है भयंकर, ठीक है, भयानक। तो क्या होगा, लाइट, हल्का, आफुल होगा, या हेवी होगा, या मॉर्नफुल होगा, क्या होगा, समझ गए होंगे आप। ग्रिम का सिनोनिम हो जाएगा आफुल, भयानक, फ्राइटफुल, फियर्स, ये सारे भयानक होते हैं। हेवी आप जानते हैं, मॉर्नफुल मीन्स क्या होता है, मॉर्नफुल मीन्स दुखी, जो दुख हो, पीड़ित हो, वो मोरोस हो, वो आपका मॉर्नफुल होता है। चलिए नेक्स्ट तीन वर्ड्स आपके पास हैं, वल्नरेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने कहा था एडिटोरियल में आपसे। वल्नरेबल मीन्स एक ऐसा व्यक्ति होता है या ऐसी चीज होती जो बहुत आसानी से किसी चीज के चपेट में आ जाए। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है ना, तो आप अक्सर सुन रहे होंगे इसमें अगर उम्र दराज लोग हैं, जो 50-60 साल से ऊपर के लोग हैं, तो उनको कोरोना ज्यादा पकड़ रहा है, मैंने सुने ज्यादा हो रहा है, यही ना। तो अर्थात कोरोना के लिए वो 50-60 से ज्यादा के एज वाले लोग जो हैं वो वल्नरेबल है, अर्थात उसकी चपेट में आसानी से आ जा रहे हैं। दिस इज वल्नरेबल, बच्चों आराम से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। तो वल्नरेबल का परमिटिंग हो जाएगा, परमिट देने के लिए या परमिट देने वाला। वायबल हो जाएगा व्यवहारिक, डुएबल, वर्केबल, है ना। बेनिफैक्टर हो जाएगा जो परोपकारी हो, आर्थिक मदद करता हो, या परमिएबल हो जाएगा। तो वल्नरेबल का सिनोनिम हो जाएगा परमिएबल, मीन्स आसानी से चपेट में आने वाला, मीन्स भेद्य, अर्थात जिस चीज को भेदा जा सके, जिस पर विजय प्राप्त की जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सकता हो, वो वल्नरेबल होता है, जो अपने हक में लिया जा सकता हो। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्ट्रस, डिजास्टर से बना, याद होगा आपको डिजास्टर मीन्स विपदा होती, आपदा होती है, तो डिजास्ट्रस मीन्स आपदा से भरा हुआ, मीन्स विपत्ति सूचक। तो क्या होगा, मैन्युअर मीन्स कौशल से भरा हुआ, या कौशल, या फिर पैंतरेबाजी कह सकते हैं, मैन्युअर मीन्स कोई चाल जो किसी की होती है ना पैंतरेबाजी, वो उसका मैन्युअर होता है।
या एमार्फस होगा. एमार्फस मीन्स निराकार, जिससे इसका आकार नहीं होता है, दैट हैज नो शेप शेप एंड साइज इज एमार्फस. प्रोफिशियंट क्या होता है? वन हु इज स्किल्ड, जो आदमी कुशल होता है, निपुण होता है किसी चीज में, स्पेशली किसी सब्जेक्ट वगैरह में, वो प्रोफिशियंट होता है. नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफिक, मीन्स भयानक, विपत्ति भरा हुआ. तो ये हो जाएगा डिजास्ट्रस का सरनेम कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा. और लास्ट वर्ड है आपका स्ट्रॉन्डेड. स्ट्रॉन्डेड याद हो गया होगा, काम आएगा आपके. स्ट्रॉन्डेड मीन्स कोई फंसा हुआ, जो असहाय अवस्था में हो, वो स्ट्रॉन्डेड होता है. तो क्या वो हैप्पी है? कतई नहीं. क्या वो श्लगिस है, मीन्स सुस्त है? नहीं. क्या वो फेन कर रहा है, मीन्स बहाना कर रहा है, छल कर रहा है? नहीं. वो फलार्न है, मीन्स स्ट्रॉन्डेड है. स्ट्रॉन्डेड का सरनेम हो जाएगा फलार्न, मीन्स असहाय, फंसा हुआ. ये 20 वर्ड्स मैंने आपको दे, लेकिन 20 वर्ड्स नहीं बच्चे, ये 100 वर्ड्स आपके हैं. सोच के देखें, एक वर्ड और उसके साथ चार चार जो ऑप्शंस हैं, तो 5 वर्ड्स एक में हो गए, 20 25 100. 100 वर्ड्स आप चाहें तो देख सकते हैं. इसमें ज्यादातर वर्ड आप जानते होंगे, जो आपको नहीं आ रहे वो आप तैयार करिए, ठीक है? पिछले सेशन का भी देख लीजिएगा, ऐसे इकट्ठा होता जाएगा. और आगे मैं ऐसा भी करूंगा, जो पिछले सेशन में ही मैंने पढ़ाए होंगे वो भी बीच बीच दे दूंगा, ताकि जो भूले भटके हो वो आपको याद आ जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सेक्शन हमारे आगे है. ये आ गया इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉमन एरर्स. मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आजमाइश होती है हमारी ग्रामर की, कि हम लोग कितना बेहतर जान सकते हैं, आप कितना बेहतर जान सकते हैं, और टीचर्स कितना बेहतर समझा सकते हैं. दिस इज कॉमन, इसमें प्रोफिशिएंसी जरूरी होती है. तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, और आप अपने से बताइएगा क्या गलत है. ही इज सो टॉल पर्सन, वो इतना लंबा व्यक्ति है, दैट ही इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, कि ये उसके लिए संभव नहीं है टू एंटर द रूम, कमरे में प्रवेश करना. बोले बच्चों क्या गलत है आप? ही इज सो टॉल अ पर्सन दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू एंटर द रूम. बोले आप क्या गलत हो सकता है यहां पे? समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों एक चीज, स्ट्रक्चर याद कर लें आप. स्ट्रक्चर वो है कि अगर आप सच का प्रयोग करें और इसके साथ ए या एन ले लें आप, कब? यदि इसके साथ कोई एडजेक्टिव हो और इसके साथ क्या हो, कोई सिंगुलर काउंटेबल ना हो. जैसे आपने कहा सच अ गुड बॉय है, ठीक है? ऐसी अवस्था में सच जो होता है वो एडवर्ब की तरह काम करता है. एक स्ट्रक्चर ये होता आपका, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस आपका नाउ, ये आपका. यानी अगर हमको लिखना है ही इज सच अ बॉय, ठीक है? ये देखें वाक्य सही आपका है, सच के बाद मैंने ए लिया है, ठीक है? सच अ बॉय. अब हम इसी को एडजेक्टिव के साथ करें, ही इज सच अ गुड बॉय, सही है? लेकिन अगर ये सो के साथ हमको करना हो तो क्या हो जाएगा? ही इज सो गुड अ बॉय. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ सो एंड सच. ये देख लें स्ट्रक्चर, आपके काम आएगा, स्क्रीनशॉट लेके भी आप तैयार कर सकते हैं. तो यहां ध्यान से देखें आप, अगर आप देख रहे हो ही इज सो टॉल पर्सन, सो के बाद एडजेक्टिव है और फिर एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन आपका है, एससीएन है. तो फिर कैसे ये सिंगुलर नाउन अकेले लिख सकते हैं? यहां क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था बच्चों? ए होना चाहिए था. तो जाएगा ही इज सो टॉल अ पर्सन दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू एंटर द रूम. बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा, नीचे मैंने दिया है आपको पूरा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं मुझे क्या गलत है इसमें. दूसरा प्रश्न है, आसान है, आप कर सकते हैं. शुड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार गॉट द बेनिफिट ऑफ डाउट और शुड इट नाउ? क्या गलत है बच्चे? याद आ रहा आपको? बहुत आसान है. कभी भी कोई मॉडल ले आप बच्चों, कभी भी कोई अगर मॉडल ले आप, तो मॉडल में याद रखें आप हमेशा मॉडल प्लस V1, यानी एक्टिव वॉइस में मॉडल प्लस V1 आएगा. अगर आप यही मॉडल लेते हैं और मॉडल के साथ आप
बी देखें और प्लस वी थ्री देखें, तुरंत समझ जाएं ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। जैसे कोई कहे ही शुड कम, सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड के साथ, मॉडल के साथ, लेकिन ही शुड बी कम, दिस इज नॉट इन एक्टिव वॉइस, दिस इज इन पैसिव वॉइस। तो ही शुड कम इज इन एक्टिव वॉइस एंड ही शुड बी कॉल्ड इज इन पैसिव वॉइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां देखिए, शुड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये तो सही है, लेकिन यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, गॉट लिखा हुआ बच्चों, कैसे होगा? अगर आपने मॉडल का प्रयोग किया है तो आपको निश्चित है किसका प्रयोग करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये जो आपने गॉट लिया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपका है, शुड इट नॉट बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस। शुड इट नॉट बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्या इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस, अपनी खराब प्रदर्शन के लिए? बोलने क्या गलत है, अब तो आना चाहिए बच्चों आपको, क्या गलत है यहां पे? याद आ रहा आपको? देखिए ध्यान से, ये एक्टिव नहीं बच्चों, ये पैसिव, जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिम्मेदार ठहरा नहीं रहे, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मींस पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस है तो ये तो सही ना, देखे यहां पे आप अगर ध्यान से देखें, शुड के साथ बी लिया गया, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन बी के साथ होल्ड है। जो बच्चे मेरे वर्ब के कॉन्सेप्ट के पोर्शन को देख रहे होंगे उन्हें याद होगा, होल्ड फर्स्ट पर्सन होता है, हेल्ड हेल्ड सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है। ये जो होल्ड है यहां पे पैसिव वॉइस होने की वजह, यहां से पैसिव वॉइस होने की वजह से यहां पर आपको हेल्ड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथे प्रश्न पर आ गए हम लोग। इंडिया फेडरल सिस्टम इज बैडली चैलेंज टुडे। भारत का जो संघीय व्यवस्था है आज उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है विद पार्टीशन गवर्नर्स। क्यों? क्योंकि उसके पास पक्षपाती गवर्नर्स। क्या गलत है बच्चे? मैंने बस कॉमन एरर बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्या गलत है यहां पे? सोच के बताएं मुझे, शायद अच्छा क्वेश्चन है जो नाउन के सेक्शन में आपको अक्सर दिया जाता है। बोले बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? इंडिया फेडरल सिस्टम, जैसे मैं अगर आपसे कहूं ऐसा स्ट्रक्चर लिख करके देखें, राम फादर इज कमिंग, और मेरा आशय, मेरा जो पर्पज हो कहने का वो हो राम के पिता आ रहे हैं, क्या ये वाक्य सही है? गलत है बच्चों। आपको क्या लेना चाहिए था? राम फादर नहीं होगा, राम्स फादर होगा, राम्स फादर इज कमिंग। ये जो भारत की संघीय व्यवस्था है, भारत की संघीय व्यवस्था, तो यहां इंडिया नहीं होगा बच्चों, यहां क्या होगा? इंडियाज होगा। इंडियाज फेडरल सिस्टम इज बैडली चैलेंज्ड टुडे। ठीक है, नाउन से संबंधित रूल आपको दिया जाता है। अगर आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़ें ना, हर चीज आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन आर्टिकल हर चीज मिल जाएगा बच्चों, हर चीज ग्रामर का, हर चीज वर्ड पावर का, सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस के मिल जाएंगे। बस कोशिश करें आप मेरे साथ, ठीक है, या अपने घर पे भी, आप रूम पे भी कोशिश कर सकते हैं कैसे इनको समझा जाए। हर एडिटोरियल ध्यान से एक से दो बार आप अच्छे से पढ़िए और देखिए आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। आप विश्वास करें, जो बच्चे एक बार मेरे साथ एडिटोरियल पढ़ते होंगे वो छोड़ देते होंगे बच्चों, ऐसा ना करें। आपके पास अगर पेपर हो, अब तो मैं पीडीएफ भी दे रहा हूं, पीडीएफ में आप जाइए पढ़िए उसे बार बार और देखिए कैसे नहीं समझ लेंगे आप। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करें बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप, यहां हो जाएगा इंडिया फेडरल सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वी फाइंड दैट बिहार इज नॉट एक्सेप्शन। हम पाते हैं कि बिहार इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं है। क्या गलत है बच्चों? सोच के बताएं आप। वी फाइंड दैट बिहार इज नॉट एक्सेप्शन, बिहार एक्सेप्शन नहीं। समझ आ रहा है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है,
देखिए यहां आपसे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप नो लें तो नो के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए, नॉर्मल सेंस में नाउन होना चाहिए। अगर आप नॉट के साथ नाउन ले रहे हैं तो यह गलत स्ट्रक्चर माना जाता है बच्चों। ये जो आप नो प्लस नाउन देख रहे हैं ना, ये सही है। जैसे कोई आपसे कहे ही हैज नो मनी, सही है बच्चों। लेकिन अगर कोई ऐसे आपसे कहे ही हैज नॉट मनी, ये गलत स्ट्रक्चर आपका है। आपको इसको सुधारने का दो तरीका। पहला तरीका है कि आप नॉट प्लस नाउन में नॉट के साथ क्या ले लें, एनी ले लें। ध्यान रखिए नॉट के साथ एनी ले लें, या फिर आप नॉट को किस में बदल लें, आप नो में बदल लें, ही हैज नो मनी। लेकिन एग्जाम्स में बहुत बार दिया जाने वाला ये स्ट्रक्चर नहीं चूज करिएगा कभी, ये ही हैज नो मनी। ये जो स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे अगर ही हैज नो एनी मनी, ये आपका गलत माना जाएगा। यानी नॉट मनी भी गलत है, विदाउट एनी यानी एनी नॉट के साथ लें और वही एनी नो के साथ न लें, गलत माना जाता है। उसकी वजह है क्योंकि दोनों आपके एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई नहीं करेंगे। इसीलिए तो यहां पे आप क्या करें, ये एनी हटा दें तो सही हो जाएगा। या अगर आपको लगता है कि आप एनी रखना चाहते हैं तो ये जो आपका नो है ना, इसे क्या बना लें आप, नॉट। तो यहां जो वाक्य था आपका, वी फाइंड दैट बिहार इज नॉट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है यहां पे, आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो फिर यहां नॉट नहीं होगा। अब दो ऑप्शन, अगर आपको नॉट से ही लगाव है तो आप क्या जोड़ लें, नॉट एनी जोड़ लें, सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनी नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप यहां क्या ले लें, नो एक्सेप्शन ले लें। और ये लाइन आप एडिटोरियल में भी देख सकते हैं, वहां मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए आशा है समझ में आया होगा आपको, ये चीजें रेगुलर पढ़ते रहें और आसान हो जाएगा आगे चल के आप। चलिए छठवां प्रश्न हमारे सामने आ गया, बिहार इज स्टिल वेटिंग फॉर द एलुसिव स्पेशल स्टेटस दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रॉमिस्ड। क्या गलत है बच्चों यहां पे, बोले देखें बच्चों कहां पे क्या गलती हो रही है इस वाक्य में। बिहार इज स्टिल वेटिंग, बिहार अभी भी इंतजार कर रहा है फॉर द एलुसिव स्पेशल स्टेटस, कि वो जो एलुसिव मीन्स एक तरह से बस कहा गया था उसमें सच्चाई नहीं थी, स्पेशल स्टेटस देने की, कौन सा दर्जा देने की, विशेष दर्जा देने का, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रॉमिस्ड। समझ आ रहा है आपको, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रॉमिस्ड, उन्होंने वायदा किया है या वायदा किया था उस समय जिस समय चुनाव हो रहे थे, याद है। तो फिर याद, जो आपने ये हैज लिया है ना बच्चों, ये गलत है। इस हैज को आप इसमें ले जाइए, पास्ट में ले जाइए, और ये क्या हो जाएगा आपका, हैड हो जाएगा, ठीक है, हैड। एक्चुअली माउस से लिखता हूं, थोड़ी दिक्कत आती, मेरे पास पैड है लेकिन उससे थोड़ा और लगता है, इसलिए माउस से मैं कोशिश करता हूं। चलिए वैसे भी आप समझ रहे होंगे, यहां हो जाएगा मोदी हैज प्रॉमिस्ड के स्थान पर हो जाएगा आपका मोदी हैड प्रॉमिस्ड, पास्ट में चले जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है, बिहार हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सफरिंग बिकॉज ऑफ अ परसिस्टिंग फ्यूडल पॉलिटिकल कल्चर। क्या गलत है बच्चों, बिहार हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सफरिंग, बिहार के पास एक लंबा इतिहास है कष्टों का, बिकॉज ऑफ अ परसिस्टिंग फ्यूडल पॉलिटिकल कल्चर, किस वजह से, अ परसिस्टिंग एक निरंतर सामंती राजनीतिक व्यवस्था या संस्कृति के चलते। क्या गलत है बच्चों, ऐसे वाक्य आपके काम आएंगे। देखें बिहार के पास एक इतिहास नहीं है सफरिंग का, बिहार ने उस सफरिंग के इतिहास को झेला है, महसूस किया है। तो आपकी वर्ब कहां है बच्चों, ये तो हैज यहां पे मेन वर्ब है, और हैज मीन्स होता है पास होना, बिहार के पास तो वो लॉन्ग हिस्ट्री सफरिंग के है नहीं, बिहार ने सफरिंग को, उस हिस्ट्री को झेला है, तो यहां आपको वर्ब लेनी होगी। वो वर्ब क्या होगी आपकी, हैव होगी। क्या होगी, हैव। तो अगर हैव होगी तो आपको हैव की हैज के बाद कौन सी फॉर्म लेनी होगी, थर्ड फॉर्म। तो वाक्य क्या होना चाहिए था, बिहार हैज हैड, यानी ए से पहले आप
हैड ले हैव के थर्ड फॉर्म के रूप में. बिहार हैज हैड, यानी बिहार ने महसूस किया, झेला है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सफरिंग. ठीक है, ये दो वाक्य देखें मैं आपको, दो वाक्य में एक स्ट्रक्चर देख लें यहां पे आप, ये स्ट्रक्चर देखें. अगर कहीं पे ऐसे वाक्य लिखा हो आई हैव माई लंच, ठीक है, इसकी हिंदी होगी मैं भोजन करता हूं. लेकिन ये वाक्य देखें आई हैव हैड माई लंच, इसकी हिंदी क्या होगी, मैंने भोजन कर लिया है. ये जो हैड आपने लिया ना, ये करने के संदर्भ में, हैव लंच मीन्स होता है भोजन करना, हैव सीट मीन्स होता है सीट पर बैठना. तो वैसे ही वहां बिहार हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सफरिंग, बिहार ने महसूस किया है कष्टों का एक लंबा इतिहास, यानी उसका एक लंबा इतिहास रहा है. ठीक है, यहां आपको हैज के बाद हैड का प्रयोग करना होगा, यानी यहां पर क्या लेना होगा आपको, हैड, बिहार हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सफरिंग हो जाएगा. ओके, चलिए बच्चों और आगे चलते हैं, और ये आठवां नवां दसवां क्वेश्चन आपके सामने आ गया. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, बच्चों आगे बढ़िएगा ही नहीं जैसे ही डिस्पाइट ऑफ देखिएगा. ठीक है, जैसे आपने डिस्पाइट ऑफ देखा ये ऑफ गलत है, और अगर ऑफ से आपको लगाव है तो डिस्पाइट का स्थान क्या ले लीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ ले लीजिएगा. ठीक है, बढ़िया पॉइंट है, याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नवा, मिस्टर कुमार इज इन पावर फॉर 15 years, येट द फेट ऑफ दीज वर्कर्स हैज नॉट इंप्रूव. यानी मिस्टर कुमार जो नीतीश कुमार जी, वो 15 सालों से सत्ता में है, फिर भी इन मजदूरों का जो भाग्य है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, कोई इंप्रूव नहीं हुआ, क्या गलत है बच्चों, पता है आपको गलती किस से इस पर है, नॉर्मल से टेंस की गलती है बच्चों, और आप में कुछ बच्चे तुरंत समझ गए होंगे कि अगर यहां पर आपने फॉर 15 years लिया है तो यहां इज कैसे ले सकते हैं, वो 15 वर्षों से रहे हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा बच्चों. देखें मिस्टर कुमार हैज बीन, ये बीन क्या है पता है, बी की थर्ड फॉर्म होना रहना, तो मिस्टर कुमार हैज बीन यानी वो रहे हैं इन पावर, किसमें, सत्ता में फॉर 15 years, 15 वर्षों से, यानी आपने यहां प्रेजेंट परफेक्ट विद टाइम यूज किया है. जैसे मान ली कोई कहे, मैं आपको एक वाक्य दिखा रहा हूं बच्चों, देखें जो हम लोग बहुत बार गलतियां करते हैं, जैसे कोई कहे आई हैव बीन नोविंग हिम फॉर 2 days, सही है क्या बच्चों, ये वाक्य सही है आपका, आई हैव बीन नोविंग हिम फॉर 2 days, गलत है बच्चों. नो एक ऐसी वर्ब है जिसे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में करने का अधिकार नहीं, आप अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले रहे हैं तो परफेक्ट में करिए, जैसे यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस है फॉर 2 days, तो इसे परफेक्ट में करिए, जब परफेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हिम हो जाएगा, और अगर ये कंटिन्यूअस में होता तो आप इंडिफरेंट में कर लीजिए, जैसे आई एम नोविंग हिम, गलत है, आई नो हिम, ये होता आपका. ठीक है, आगे आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होती हैं जिन्हें नॉर्मली आईएनजी फॉर्म में न प्रयोग करें, जैसे लव का प्रयोग है, हेट का प्रयोग है, प्रीफर का प्रयोग है, कॉस्ट का प्रयोग है, एग्री का प्रयोग है, डिसएग्री का प्रयोग है, बिलीव का प्रयोग है, डिसबिलीव का प्रयोग है, ऑफ ओन का प्रयोग है, ऑफ का प्रयोग है, और हैव का प्रयोग है, और भी वर्ड्स हैं, प्लीज का प्रयोग है, डिसप्लीज का प्रयोग है, एग्री का प्रयोग है, डिसएग्री का प्रयोग है, ये ऐसी वर्ब्स होते हैं जिन्हें आप आईएनजी फॉर्म में करने के बजाय नॉर्मली या इंडेफिनिट या परफेक्ट में यूज करते हैं. अगर वाक्य आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है तो परफेक्ट में कन्वर्ट कर लें, और अगर वो कंटिन्यूअस में दिया गया है तो इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, कुछ वाक्यों में कैन के साथ भी ऐसा करते हैं, जैसे आई एम सीइंग हिम से बेहतर है आई कैन सी हिम. ओके, ऐसे तो यहां मिस्टर कुमार हैज बीन होगा न कि इज होगा, ये इज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मिस्टर कुमार हैज बीन, ये बी के थर्ड फॉर्म है, बीन इन पावर फॉर 15 years. आशा है समझ रहे होंगे आप, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताएं, मैं निश्चित ही आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, जहां भी आपको लगे
कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कोई आंसर या समझाने का तरीका, आप बेहिचक बोले सर ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है कॉमनर्स का दसवां प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी दो तीन क्वेश्चन केवल जोड़े। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दे कंटिन्यू टू वल्नरेबल एंड कॉम्पेल्ड टू वर्क विदाउट एनी लीगल टू सीजर, क्या गलत है बच्चों? दे कंटिन्यू टू वल्नरेबल एंड कॉम्पेल्ड टू वर्क विदाउट एनी लीगल टू सीजर, देखें यहां से ये टू लिया ना, दे कंटिन्यू टू, अब टू के बाद या तो कोई नाउन या नाउन फेस आए जीरंड के रूप में आए, या फिर आपको क्या लेना होगा मेन वर्ब लेनी होगी। तो फिर यहां दे कंटिन्यू टू वल्नरेबल, टू के बाद देखे यहां पे सीधे क्या दे दिया गया आपको वल्नरेबल, वल्नरेबल तो एडजेक्टिव है, टू के बाद कैसे एडजेक्टिव आ जाएगा। तो फिर यहां पे आपको क्या करना होगा, ये देख रहे होंगे एंड कॉम्पेल्ड, ये तो सही है एडजेक्टिव के रूप में, यहां पे थर्ड फॉर्म के रूप में तो ये भी एडजेक्टिव है, तो दे कंटिन्यू टू वल्नरेबल यानी वो वल्नरेबल होते रहे, यानी कंटिन्यू टू वल्नरेबल होते रहे, होने की मीनिंग क्या होती है बच्चों, बी होती, होती ना, तो यहां बी वर्ब के रूप में मेन वर्ब में छोड़ना पड़ेगा, दे कंटिन्यू टू, और चूंकि टू है तो यहां मेन वर्ब रूप में आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आपका वाक्य हो जाएगा दे कंटिन्यू, क्या हो जाएगा दे कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। एक कंबिनेशन आप लें, बिना वर्ब के कैसे वाक्य बना लेंगे आप, तो दे कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल एंड कॉम्पेल्ड टू वर्क विदाउट एनी लीगल प्रोसेस, आशा है समझ रहे होंगे आप। चलिए तीन आपके पास केवल व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस फिलर, जो मैंने इसी एडिटोरियल से दिया ताकि आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकें। बोले पहला, पहले वाले में क्या भरेंगे आप, बोले इट नेग्लेक्टेड एफर्ट्स डॉट डॉट इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज, तो इट नेग्लेक्टेड एफर्ट्स, इसने प्रयासों को नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया, तो क्या इट नेग्लेक्टेड एफर्ट्स क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज होगा, या इट नेग्लेक्टेड एफर्ट्स क्रिएटेड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज होगा, या इट नेग्लेक्टेड एफर्ट्स टू क्रिएट इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज होगा, या इट नेग्लेक्टेड एफर्ट्स क्रिएटिव इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज होगा, क्या होगा बच्चों? अगर आपको एडिटोरियल याद हो या स्ट्रक्चर याद हो, इट नेग्लेक्टेड, इसने नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया एफर्ट्स, उन प्रयासों को, कौन से प्रयासों को, टू क्रिएट, क्या हो जाएगा, टू क्रिएट इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज, ताकि औद्योगिक क्षमताओं को उत्पन्न किया जा सके, यानी औद्योगिक क्षमताओं को उत्पन्न करने के लिए इसने उन एफर्ट्स को क्या किया, नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया। तो यहां आपको क्या चाहिए, इन्फिनेटिव चाहिए, यानी इट नेग्लेक्टेड एफर्ट्स टू क्रिएट इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, द एक्सोडस ऑफ लेबर, एक्सोडस याद हो गया होगा समूह के रूप में पलायन, तो द एक्सोडस ऑफ लेबर डैश अ न्यू नॉर्मल सिंस द 1990s, न्यू नॉर्मल मीन्स नई रीत, एक नई प्रथा, क्या होगा, द एक्सोडस ऑफ लेबर हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल सिंस द 1990s, या हैविंग बिकम, या हैड बिकम, या हैज बिकम। देखें ये जो पहला आपका एग्जाम्पल है ये तो कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रीपोजिशन से पहले द एक्सोडस है, तो हैव बिकम कैसे हो जाएगा। ये दूसरा भी हैड बिकम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1990s वो दे रहे हैं, तो फिर हैड कैसे होगा, द एक्सोडस ऑफ लेबर हैड बिकम अ न्यू, बन चुका था, नहीं बन चुका है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वो। और हैविंग बिकम में मेन वर्ब आपकी आएगी नहीं, हैविंग बिकम तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, अरे परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, तो मेन वर्ब कहां होगी, आपको क्या चाहिए, हैज बिकम चाहिए, तो द एक्सोडस ऑफ लेबर हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल सिंस द 1990s, 1990 के दशक से यह एक न्यू नॉर्मल, नई प्रथा बन चुकी है। और लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों आपके सामने, दे कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल एंड कॉम्पेल्ड टू वर्क, क्या गलत है, दे कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल एंड कॉम्पेल्ड टू वर्क,
चलिए बच्चों, एक्चुअली यहाँ पे जो मुझे करेक्शन करना था वो ये था, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको देना था जो अभी मैं कर दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे दे देंगे। दे कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल एंड कॉम्पेल्ड टू वर्क। ये मैंने इसलिए दिया क्वेश्चन आपको ताकि आपको ये बताया जा सके कि अगर यहां एंड के पहले वल्नरेबल है आपका, ठीक है, तो फिर एंड के बाद भी एडजेक्टिव फॉर्म ही आएगा। तो अगर मैं कॉम्पेल ले रहा हूं, जो मैंने नहीं लिया था अभी मैं ले रहा हूं, अगर मैं कॉम्पेल ले रहा हूं तो क्या कॉम्पेल एडजेक्टिव है? नहीं, कॉम्पेल एक वर्ब है। कॉम्पेल मीन्स मजबूर करना, बाध्य करना। तो एंड के बाद कॉम्पेल अगर तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, तो आपको यहां एडजेक्टिव चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन बस सही था कि वो एडजेक्टिव क्या कॉम्पेल है या कॉम्पेलिंग है या कॉम्पेल्स है या कॉम्पेल्ड है। समझ रहे होंगे, वैसे भी आप आंसर तो था ये भी आपके पास, क्या हो जाएगा? कॉम्पेल्ड। ऐसे भी एग्जाम्स में आपको दिए जाते हैं ताकि आप जाने कि एंड के पहले जो पोर्शन है वही पोर्शन आपको नॉर्मली एंड के बाद भी रखना होगा। जैसे चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, यहां पे देख लें जाते जाते। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे, आई हैव, कुछ ले लें, आई हैव ले लें, आई एम ले लें, आई एम ऑनेस्ट एंड मर्सी। देख लीजिए बच्चों, अच्छा लगे एग्जाम्पल है आपको। एंड से पहले क्या है? एंड के पहले एक एडजेक्टिव है और एंड के बाद क्या है? एक नाउन है। और यहां इज एम आर है, आप इज एम आर वाज वर्ब के रूप में है आपका। अगर हैज हैव यहां पे होता हैड तो आप ले लेते आई हैव ऑनेस्टी एंड मर्सी, लेकिन एम है ना, एम के साथ तो ये आएगा नहीं, तो आई एम ऑनेस्ट तो सही है, तो फिर एंड के बाद भी एडजेक्टिव ही चाहिए। इसका मतलब ये जो मर्सी दिया गया है आपको ये गलत है, यहां मर्सी नहीं होगा बच्चों, यहां क्या होगा आपका? मर्सी फुल एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए ये मेरा सेशन टू की एक्सरसाइज है। अभी 7 बजे आपको वर्ब के कॉन्सेप्ट पर दूसरा एडिशन यानी दूसरा सेक्शन आपको मिलेगा। और मैं जानता हूं बच्चों आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी प्रोजेक्टर के हल्का सा ब्लर करने में, बट ये जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है आप इसे कर लें इस तरह से थोड़ा मैनेज करके, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू होगा तो वो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? थोड़ी सी थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो आप बेहतर, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो हर बच्चे की नीड है। वर्ब का कॉन्सेप्ट ये समझ लेंगे तो आगे कई सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मिलते हैं नए सेशन के साथ कल सुबह 9 बजे, और फिर मैं याद दिलाऊंगा आज शाम को 7 बजे वर्ब के कॉन्सेप्ट को न भूलिएगा करना, जरूर कर लीजिएगा। ओके।